अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंटेक सोलो पाकिस्तान। यार सिस्टम लगवाने से पहले एक जनरल बात कर लेते हैं, किस तरह की चीज़ें लगवानी चाहिए। अभी जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि यार मैं मार्केट से चीज़ें ख़रीद लेता हूँ और उसको फिर मैं इंस्टॉल करवा लूँगा। बुरा ट्रेंड नहीं है, एटलीस्ट इसका मतलब आपने थोड़ी सी रिसर्च करी। जैसे अगर आप 3 साल पहले चले जाएँ तो लोगों को पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट लगना क्या है, क्या चीज़ लगा देनी है इसमें। एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत पता चला कि यार इसमें एक इन्वर्टर होता है, कुछ पैनल्स होते हैं, तो ये हम ख़रीद सकते हैं और ये हम फिर लगवा सकते हैं। पर उसका उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी साथ ही आना शुरू हो गए। बिल्कुल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि अब ये हो क्या रहा है और ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ हुई या नहीं हुई। ये वही ट्रेंड है जो पहले था, गाड़ियों में लोग करते थे, बाकी घरों पर करते थे। जो भी काम वक्त के साथ साथ उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होना शुरू हो जाए या उसके एक्सेसरीज आम होना शुरू हो जाए, तो यही होता है कि ओपन मार्केट में चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। और उसमें दिखता यही है कंज्यूमर को कि पार्ट सस्ते मिल रहा है, तो ऑफकोर्स पार्ट सस्ते ही होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये पार्ट निकाला और उसका रिप्लेसमेंट पार्ट डाल दिया तो आपकी चीज़ें वापस से चलना शुरू हो गई। इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, सही से इंटीग्रेट ना हो, सही से डिज़ाइन ही ना हो, सही वाला पार्ट रिप्लेसमेंट आप नहीं करें, सिस्टम डिज़ाइन में चेंजिंग आ जाए, तो फिर सिस्टम फॉल्ट में आ जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जनरली यही हो रहा है। लोग अभी तो हम रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम पहली दफ़ा की इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। पहली दफ़ा में तो कस्टमर बिल्कुल ही वही चीज़ ले आते जो दुकानदार उसको बता रहा होता है, और दुकानदार वो माल बेच रहा होता है जो उसके पास रखवाया हुआ होता है, कंपनी से रखवाया हुआ होता है, जिस पर उसको इंसेंटिव मिल रहा होता है या जिस पर उसको मार्केटिंग के पैसे मिल रहे होते हैं, प्रोडक्ट पुश करने के पैसे मिल रहे होते हैं। तो मार्केट तो इसी तरह चलती है, मार्केट में जो भी सामान आपको कंपनीज के थ्रू मिल रहा है वो तो वही मिल रहा होता है कि जो जिस पे इंसेंटिव चल रहा हो। तो ऐसे में आपको वो तो नहीं मिल रहा होता जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल हो, तो आप उसी के पैसे दे के आ रहे होते हैं। बट एज एन एंड यूज़र आप भी यही देख रहे होते हैं कि सस्ता मिल रहा है, उसमें ये फीचर्स हैं, ये फ्लैशीनेस है, और अगर उसको 10% मिल रहा है तो वो 2% आपको पास ऑन कर रहा है, तो आप बोलते हैं मुझे भी सस्ता मिल रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में वो प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट की लाइफ और वो सारी चीज़ें बैक पे चली जाती है, फ्रंट पे आती है प्राइसिंग, फ्रंट पे आते हैं इंसेंटिव, डिस्काउंट, कितना आसानी से मिल रहा है, कितने रेडी स्टॉक है मार्केट में, कितना सामान भरा हुआ है, आप देखने जाते हैं। एक ये ट्रेंड भी तो है ना कि जिस दुकान पे रश लगा हुआ है उसी दुकान पे चलते हैं, तो रश तो उसी पे लगता है ना कि जिसकी प्राइस सबसे कम होती है, बाकी अच्छी चीज़ की अफोर्डेबिलिटी तो थोड़े ही लोगों में होती है या थोड़े ही लोगों के माइंड में होती है कि अच्छी चीज़ के पीछे जाना चाहिए। अच्छा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आए क्या हैं जो अब लोग खुद बता रहे हैं फ़ोन कर करके? ख़राब हो रही हैं चीज़ें चल नहीं रही। 6 महीने हुए हैं अभी सिर्फ सिस्टम लगे हुए, बैटरी बैकअप नहीं दे रही। 6 महीने हुए हैं सिस्टम, 6 किलोवाट का सिस्टम है, 2 किलोवाट से ऊपर ही नहीं जा रहा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिनसे लगवाया था उनको भी समझ नहीं आ रहा कि अब ये कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम। वो सुन नहीं रहे, या वो चलें सुन भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा कि यह प्रॉब्लम क्या आ गई है। ऐसे में क्या फ़ायदा हुआ लगवाने का, क्या फ़ायदा हुआ पैसे बचाने का? ठीक है, आपको तो नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो फ़ायदा क्या हुआ पूरी एक्सरसाइज का, कि अगर हम 3 से 4 महीने के बाद वो ज़रा सा भी फॉल्ट मोड पे आ जाए तो जिससे हमने लगवाया उसको समझ ही ना आए कि करना क्या है। तो पूरी जो कोर्ट है ना, उस कोर्ट में अगर आप प्राइसेस को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं, जो टॉप कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं उसमें उसका मार्जिन भी रखती हैं कि जब कभी हमें हम जो सर्विस दे रहे हैं, देखें जो भी कोई सर्विस दे रहा होगा कि 1 साल की मेरी वारंटी है इसकी पूरे सिस्टम की, या 2 साल की वारंटी है पार्ट्स के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वारंटी दे रहा है वो अगर तो मुँह ज़बानी दे रहा है और कुछ भी नहीं करेगा तो फिर तो एक अलग ही कहानी है कि यार इसने करना ही नहीं है। पर देर आर कंपनी जो कि जब कहती हैं कि 1 साल की वारंटी है तो उनको पता भी है और वो उसको फुलफ़िल भी करती हैं। आप देखें, बड़ी सीधी सी बात है, अगर पता ही नहीं है ना कि कैसे करना है तो फिर तो कोई बॉटम ही नहीं है। एक चीज़ है ना कि हवा में फेंक रहे हैं कि हाँ जी ये चलेगी और इसको जोड़ देते हैं और ये चल पड़ेगी, तो बस वो चलती रहेगी। अगर वो चलती रहेगी तो आपकी सब आपकी किस्मत है, नहीं चलेगी तो नहीं पता कि कैसे ठीक करना है, तो बस वो फिर एक शॉट इन द डार्क था कि कस्टमर को बोला कि हाँ जी ये चलेगा, चलता रहा तो कस्टमर की किस्मत है, नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखिए, इन द लॉन्ग रन तो नुकसान रहता ही है। एज एन एंड यूज़र आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, आपको अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको भी आइडेंटिफाई करना है, उसको भी सॉल्व करवाना है, प्लस आपकी जो सिस्टम में जो भी डाउन आ रहे हैं, जो भी उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं उनको भी रिजॉल्व करवाना है और उसको ऑप्टिमाइज मैनर में चलवाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो प्रोडक्ट की प्राइस भी होती है और बाकी
की सिस्टम इंटीग्रेशन की प्राइस भी होती है, बाकी खुला ऑप्शन है। मार्केट्स में सामान बढ़ता जा रहा है, मार्केट्स में ओपन पार्ट्स मिलना उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ ये होता है। आपको लोकल इन्वर्टर्स भी बनना शुरू हो गया पाकिस्तान में, बिल्कुल लोकल डीसी इन्वर्टर। पर जब मैं लेने जा रहा हूँ तो मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि मुझे ठीक है अच्छी प्राइस में सारा सामान मिले, पूरा सिस्टम मेरा अच्छी प्राइस में हो जाए। ऐसे में मैंने जाके कंपनी से इन्वर्टर ले लिया, कंपनी से इंपोर्टर से पैनल ले लिया और इसी तरह मैंने चीज़ें इकट्ठी कर ली। अब जब लगाने की बारी आई तो मुझे इसने बोला, उसी दुकानदार ही बता देते हैं सर इससे लगवा लें उससे लगवा लें, और वो थोड़े बहुत पैसों में आपको लगा देगा। तो काम तो आपका हो गया, पर अगेन प्रॉब्लम तो वहीं पर आ गई ना कि जब प्रॉब्लम आएगी, जब कोई मसला आएगा तो फिर कौन आएगा उसका ठीक करने? कोई भी नहीं आएगा। आपने आने वाली बातें नहीं करी थी, आपने भी तो खुद जाकर लिया था। तरीक़ेकार तो यही है ना, जब आप खुद गए थे लेने तो फिर आप खुद निकले और ढूंढे जाके कि कौन नहीं, पहले तो किसको समझ आएगा प्रॉब्लम और फिर कौन आएगा। जिन मार्केट देखिए आता वाता तो कोई भी नहीं है, जिन मार्केट से आपने सामान लिया था आप अपना इन्वर्टर उतारें और वहाँ ले जाएं और उनको उनके पास जो भी लैब बनी हुई है उनको बोले आप इसको टेस्ट करो, वीडियो बना के ले जाएंगे, मेरे घर पे वे लगे हुए इंडस्ट्री पे लगे हुए ये फॉल्ट आ रहा था, अब आप भी चेक कर लो क्या फॉल्ट आ रहा है और जो इसका मसला है उसको ठीक कर दो, रिपेयरिंग कर दो। अच्छा, क्योंकि अच्छा, आप खुद मार्केट जाके अब खुद डीलिंग करके आए थे ना, तो आप ही को वापस रेफर करना पड़ेगा। जब आप लेने गए थे तो आप खुद चले गए थे, अब मसला आए तो आप बोल रहे चल के को बंदा मेरे घर आए, तो ऐसे नहीं होएगा ना, वो आपने वो वाला मेथड ही फॉलो नहीं करा। मैं समझ गया, तो इसका यही तरीकेकार है, इसमें टेंशन लेने वाली नहीं है। जब भी मसला है सामान उतारे सारा पहुंच जाए मार्केट दोबारा से ठीक कराने, बिल्कुल ठीक है, वो फिर सस्ता पड़ेगा आपको, हो सकता है वो फिर सस्ता पड़ जाए। अगर इन्वर्टर ठीक हो किसी और चीज में मसला हो फिर किसको उतार के लेके जाएंगे आप ये बताए ना, समझ जाए ना। दूसरा मसला ये है, इसका मतलब ये सब कुछ उतरेगा ले जाए, सब उतरेगा भाई, दोबारा जाएगा उसकी लैब पे इंस्टॉल होएगा, फिर डायग्नोज होएगा कि इसमें मसला क्या है, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। आप इन्वर्टर ले जाएंगे बोलेगा पहले मसला है, तो अर्थिंग वर्थिंग सब निकल के जाएगी, दूसरी साइड पे लगेगी क्योंकि चल के कोई नहीं आएगा। तो यही ट्रेंड चल रहा है, क्लोज करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका सिस्टम कितनी आसानी से खुल जाता है कि आप उसको यूं उतार के कहीं ना कहीं ले जाएं। अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि जो 2-4 मिनट में खुल जाता है तो फिर तो बहुत अच्छा काम है, और अगर नहीं खुलता तो भी